दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। जी हाँ, दिल ही तो पागल रहता है आपसे मिलने के लिए, इसलिए फिर से पहुंचे हैं आपके लिए वही पुरानी जगह, पुराने साथी, लेकिन दो नई रेसिपी के साथ पहुंचे हैं अपने शेफ रोशन शर्मा के पास, गाजियाबाद के महागुण सरोवर पोटिगो में। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं अपने शेफ के पास और जानते हैं कि वो आज हमारी राजस्थानी रसोई के लिए क्या लेकर आए हैं खास। हेलो फ्रेंड्स, आपका प्यार और शेफ के हाथों का स्वाद मुझे एक बार यहाँ फिर खींच लाया है। हेलो शेफ, कैसे हैं आप? आप बताओ। बस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शेफ, आपके हाथों का स्वाद मुझे यहाँ फिर खींच लाया है। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? पनीर बटर मसाला। शेफ, मुझे पनीर बहुत ही पसंद है, और पनीर की कोई भी वैरायटी हो, आप किसी भी तरीके से पनीर बनाइए, वो पनीर जो है वो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो शेफ, कहाँ से शुरू करेंगे? दर्शकों को पहले समझा दीजिए कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए अपनी रसोई में पनीर बटर मसाला बनाने के लिए। पहले हमें पनीर चाहिए, ठीक है, टमाटो प्यूरी चाहिए, होममेड, क्रीम चाहिए, फुल ऑफ बटर, हल्दी पाउडर, ये बेगी मिर्च है, ठीक है, जिंजर, हाँ, गरम मसाला एंड कसूरी मेथी, कसूरी मेथी और सॉल्ट, और उसके बाद हनी। हनी जी। तो पनीर बटर मसाला बना रहे हैं, तो नाम के साथ इंसाफ भी करना होगा, भरपूर मात्रा में हमें मक्खन चाहिए होगा, मलाई चाहिए होगी। तो शेफ शुरू करें। सबसे पहले से हम ऑन करते हैं, उसके बाद हम पैन लेते हैं, ठीक है, स्लो फ्लेम करते हैं, फिर इसमें हम फुल ऑफ बटर ऐड करते हैं नाम के साथ। बिल्कुल, इसके बटर की खाना बनता नहीं है। हाँ, बटर मसाला है तो बटर चाहिए, चाहिए ही चाहिए। स्लो फ्लेम में मेल्ट होने दीजिए। अब ये देख रहे हैं बटर मेल्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जिंजर ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जिंजर, करीब आधा छोटा चम्मच ना, आधा छोटा चम्मच, सौते करना है। पर याद रखिए ज्यादा तेज हीट में सौते नहीं करेंगे क्योंकि बटर जल जाएगा। जल जाएगा। शेफ, इसमें हमने बटर में इस बार रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, क्योंकि नाम ही जैसा नाम हुआ था। हाँ, अच्छा, इसीलिए हमें इसे स्लो फ्लेम में ही पकाना है। बहुत देर तक सौते नहीं करेंगे शेफ ना। तो आप भी पनीर के अगर शौकीन हैं तो हमारे साथ सीखिए कैसे तैयार होगा घर पे पनीर बटर मसाला। ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पहले से तैयार करके अपनी रसोई में रखा है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी, बहुत ही कम मात्रा, नाम मात्र के लिए, चुटकी भर कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, करीब दो चम्मच, दो छोटे चम्मच हमने कसूरी मेथी मिलाई है। धनिया पाउडर हाफ टीस्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टीस्पून, हाफ टीस्पून, और गरम मसाला, शेफ जो कसूरी मेथी का जो तड़का आपने मारा है ना इसमें, इसके बाद इसमें वो उसकी खुशबू आने लगी है। टोमेटो प्यूरी, होममेड टोमेटो प्यूरी, क्योंकि खेल ही सारा टमाटर का और बटर का है। हमारे दर्शक जानते हैं कि कैसे तैयार होती है टमाटर की प्यूरी। जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं हमसे अभी अभी, उनको हम बताना चाहते हैं शेफ कैसे बनते हैं, आप ही बताइए। ये टमाटर को
लॉन्च करना है, उसके बाद उसे प्यूरी करना है। प्यूरी करना है, समझ गए आप। टमाटर को उबालना है, उसका छिकल अपने आप बाहर निकल आएगा, उसको निकाल दीजिए और उसको फिर पीस लीजिए। इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। शेफ, अभी हमने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला है। पकाते रहेंगे और लगातार चलाना भी होगा शेफ हमें ना। कुछ कुछ चीज़ों जो आपकी छोटी छोटी टिप्स है ना, वो आप घर में अप्लाई करने के बाद लगता है कि हाँ, खाना अगर दिल से बनाया जाए तो वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मक्खन और कसूरी मेथी की खुशबू पूरी रसोई की दीवारों को पागल बना रही है। ध्यान रहे कि अपने पेशेंस होना चाहिए खाना बनाते समय। खाने में बनाते समय आप पेशेंस होगा तब तो खाना उतना ही अच्छा बनेगा जितना चाहते हो आप। इसमें हम ऐड करेंगे पनीर, क्यूब शेप में कटा हुआ है, 200 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हैं। टमाटर की ग्रेवी तैयार करने के बाद हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है जो हमने क्यूब में काटा हुआ है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा, शेफ आधा, थोड़ा सा मुंटे भर इसको, करीब 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें पानी ऐड किया है। शेफ, कितनी देर तक पकाना है शेफ इसे? शेफ, क्या पनीर बटर मसाला में हम पहले से फ्राइड पनीर ले सकते हैं? फ्राइड पनीर हार्ड होने का चांसेस होता है। हाँ, पहली बात है कि पनीर 100 डिग्री टेम्परेचर पे हम दूध बॉईल करके तो ही पनीर बनता है। हाँ, तो ऑलरेडी पका हुआ रहता है, सिर्फ इसे गर्म करने का है। आप इसे जितना कम कुक करेंगे पनीर का स्वाद उतना ही अच्छा होगा, ताजगी बनी रहेगी पनीर की। हम ऐड करेंगे नमक, फिर ऐड करेंगे क्रीम। शेफ, थोड़ा सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्रीम के बाद खाना नमक डालना चाहिए। हाँ, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे फुल ऑफ क्रीम। बड़ा चम्मच, 6 से 7 चम्मच और गैस सिम कर देंगे। मिक्स किया और ऊपर से फिर से थोड़ा सा कसूरी मेथी का फ्लेवर पनीर बटर मसाला में। ये रेडी है, बाउल दे दूं आप। शेफ, हनी भी लिया है हमने, थोड़ा सा स्वीट होता है, हल्का सा हनी डालेंगे। हनी सबसे लास्ट में डालिएगा, क्योंकि हनी पड़ने के बाद एक अजीब सा फ्लेवर देता है तो बहुत इंसान को पसंद नहीं आता। इसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी गार्निश के लिए और फिर क्रीम से इसे गार्निश करते हैं। बटर की जरूरत नहीं है शेफ क्या? बटर अभी डालेंगे तो थोड़ा सा बटर इसके टॉप पर। तैयार आपका पनीर बटर मसाला। तैयार है हमारा सेहत से भरपूर पनीर बटर मसाला। हमारे लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप चैनल स्विच करने का सोचिएगा भी मत, क्योंकि ब्रेक के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तैयार होगा पनीर बटर मसाला। हम यू गए यू आए, आप देखते रहिए समाचार प्लस।